गजपति जिला पारलाखेमु कंग्रेस आज निज शक्ति प्रदर्शन कर आज सका जिला कंग्रेस कार्यालय एक विशाल राली बाहरी जिलापा कार्यालय निकट में पहुंची राली आसवा समय कंग्रेस कर्मी मैंने नाच गीत डीजे आयोजन कर हजार हजार संख्यार राली पारलाखेमु विधायक प्रार्थी विजय पट्टनायक मोहना विधायक तथा जिला सभापति दासरथी गमांग ब्रह्मपुर लोकसभा प्रार्थी रश्मिरंजन पट्टनायक एआईसीसी प्रवक्ता प्रभात कुमार कांग्रेस लोकसभा मंडली निरीक्षक आरपी सिंह प्रमुख जोगदेपर पार्टी पक्ष एक सांबादिकम्मन जोगद लोकसभा मंडली निरीक्षक आरपी सिंह राज्य केन्द्र सरकार बर्षवासह बर्तमान परिवर्तन समय आसी बोली कही राहुल गांधी द्वारा पठा जा प्रतिश्रुति सब उपस्थापन करते युवपीढ़ी को उभय केन्द्र और राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में भुआ बुला प्रतिदिन बढ़ुवा बेकारी समस्या बेरोजगारी भ्रष्टाचार दूर करने निज इस्तहार जारी करिछन्दे। कांग्रेस सरकार आसिले युवपीढ़ी को प्रत्येक वर्ष एक लक्ष टंका राशि दिया जो पर्यंत उपभोक्ता रोजगार क्षम हो पारिबो से पर्यंत वर्तमान भारत में 30 लक्ष ऊर्ध सरकारी पदवी खाली पड़ी यदि सरकार आसे तेज युवक मानंकु योग्यता भित्तिरे खाली पड़ीथिबा सरकारी पदवी को पूर्ण करा दिबो। युवकंकु शिक्षागत बा निजुक्ति क्षेत्र में युवपीढ़ी को प्रश्नपत्र लीक घटना सबुबले देखिबा को मिलुछि सेथिरे सुधार आणा दिबो। विभिन्न क्षेत्र में युवपीढ़ी निजर और निज पर काम करोसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हूँ तेज से सामाजिक सुरक्षा पर सुरक्षा जगैदेव सरकार प्रति जिला स्तर में 5,000 कोटी टंका खर्च जहाँफल प्रति घर रोजगारक्षम हो पार लोके निजर सामाजिक स्तर में अभिवृद्धि हो पारे। आजिकल महिलाओं सुरक्षा अधिक गुरुत्व बहन करमाजिक न्याय देवा दिगरे कांग्रेस सरकार काम कर महालक्ष्मी योजना मुताबक प्रति घर महिला वार्षिक 1 लक्ष टंका सहायक अर्थराशि दिजा जहाँफल महिला माने निज पर रोजगार सहायक हो पारे। कृषि ऋण छाड़ करा जहाँ विगत दिन में कांग्रेस सरकार सारा देश में कर देखा पुणि थे दोहर स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट अनुसार एमएसपी लागू करा जिबो केसी जात द्रव्य उपरू जीएसटी उच्छेद करा जिबो बोली राहुल को वार्ता कहिछन्ती लोकसभा मंडली निरीक्षक आरपी सिंह। दिल्ली में एक व्यक्ति बैठे हैं 70 पार कर चुके हैं 70 वर्ष की बात कर रहा हूं 70,000 करोड़ अजीत पवार वाली मत समझ लेना 70 पार कर चुके हैं कहते हैं फिर से प्रधानमंत्री बनना है ठीक है भैया। यहां उड़ीसा के अंदर 73 क्रॉस कर चुके हैं 77 इतनों 24 ईयर से उड़ीसा के युवाओं को जो उन्होंने दिया है वो तो मैं देख रहा हूं 4.5 से 5 करोड़ की आबादी है उड़ीसा की और मैं देख के आश्चर्यचकित हूं कि 30 से 40 लाख माइग्रेंट वर्कर कोई सूरत में दादन का काम कर रहा है कोई कहीं और जाके काम कर रहा है कोई भद्रक का बेटा जाता है और कलर लगाने का काम करता है विभिन्न प्रदेशों में और इनको सत्ता चाहिए एक बार फिर से। इन्होंने कहा था एक ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा दूसरे ने कहा था 2 लाख रोजगार दूंगा देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है समझिएगा इन चीजों को। दोनों ने मिलकर छला मित्रों के साथ मिलकर उड़ीसा को दोनों हाथ से लूटा और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे पास प्रमाण है चाहे तो आप ले सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा दो धंधा लो अगर चंदा नहीं दिया तो फिर ईडी का सीबीआई का आईटी का फंदा दूंगा यह इनकी सोच है डंडे से चलाई जा रही है सरकारें चाहे वो दिल्ली वाली हो चाहे वो उड़ीसा वाली हो। आप देखिए
सारे के सारे डेटा मेरे पास मौजूद हैं जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दिए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मेरे और आपके पास आया। उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, माता एवं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, युवाओं के साथ छलने का काम किया। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इनकी सरकारें जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं। उड़ीसा की तो हालात ही ऐसी है कि सब कुछ में मतलब करप्शन में नंबर वन। आप सोचो उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा जैसा शांत सौम्य विद्युता संपन्न प्रदेश और वहां पे हर दिन 6 माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर नहीं तो और क्या है, मैं पूछता हूं। गजपति पारा खेमुंडी रश्मि रंजन साहू कलाश स्वाल सिंह रिपोर्ट उत्कल मेल टीवी।